गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आ गया मैं न्यू वीडियो के साथ। आज 4 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आए क्योंकि मैं तो RTO था और 4 दिन से मैं चक्कर लग रहे थे कि मेरी गाड़ी का नंबर भी अब जल्द आने वाला है। आज मैं जाऊंगा देहरादून। पहले RTO आया था और RTO से अब डायरेक्ट देहरादून जाऊँगा क्योंकि मेरी गाड़ी का नंबर वहीं पर लगा के जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी। ठीक है, और अभी जितना थोड़ा बहुत काम होता है बस इसके बाद मिलता हूँ RTO से, काम नहीं मिलता है। ठीक है, सब तक के लिए रुक पाए। सो गाइस, फाइनली हमारा RTO से सारा काम कंप्लीट हुआ एंड मैं अभी जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, जो कि फर्स्ट सर्विस है। जहाँ से मैंने बाइक ली थी वहाँ से सर्विस नहीं करा सकता बाई दफ़े, वो बहुत ज़्यादा दूर है, अराउंड 40 किलोमीटर। मैं वहाँ पे जाऊँगा बट कल जाऊँगा क्योंकि मेरी गाड़ी चल चुकी 734। तो मैं नहीं चाहता कि ये बंद हो जाए या कुछ हो जाए इसमें, इसकी सर्विस अभी जा रहा हूँ करवाने के लिए। देखते हैं आता है इसकी फर्स्ट सर्विस कितने में होती है। तो गाइस, जब भी पहुँच गया हूँ हरपटपुर, अभी यहाँ से लेते हैं लेफ्ट। तो गाइस, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं। अपनी गाड़ी में कौन सा ऑयल चलवाते हैं, देखते हैं कैसी सर्विस होती है वहाँ पे, देखते हैं हमारा आज का व्लॉग कैसा रहता है। मैं तहसील टेट करते हैं जंप। सो गाइस, लीन भाई, जिस साइड से है वो गली शायद छोटी पतली सी गली को जाना पड़ेगा सर्विस कराने में। हाँ, तो भी क्या टाइम क्या हाँ क्या टाइम लगेगा बस, ज़्यादा कुछ है नहीं, वो ऑयल वगैरह चेंज करना है, ऑयल फिल्टर और थोड़ी वाइब्रेशन सी कर रही है तार वगैरह इसकी। तो गए जी, ये गई हमारी बाइक टेस्ट के लिए, अभी बताएंगे ना। अच्छा, ज़्यादा काम नहीं हो रहेगा गाड़ी में, इंजन ऑयल चेंज होगा और ऑयल फिल्टर बस यही होगा। तो गाइस, फाइनली हमारी बाइक की सर्विस हो गई, अब बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है बाइक का जब। हाँ भाई, कैसी लगी? ओह माय गॉड, ये क्या था वगैरह, सब कुछ कंप्लीट हुई। अब तो मैं ऐसे लेके जा सकता हूँ बाहर भी, से पहले गाड़ी का नंबर आ जाए। एटलीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी तो होती है भीड़, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर कुछ ना कुछ हमसे छूट जाता है, मिस हो जाता है, इसलिए नंबर पावर का ही एक नंबर। फाइनली मैंने 100 क्रॉस कर दिया है, जिसमें से साइन का जो ऑप्शन आ रहा था इस साइड आपको दिख रहा होगा मीटर में यहाँ पे, बट अब नहीं आ रहा हो क्योंकि सर्विस इसकी हो चुकी है। कॉस्ट वगैरह कितना आया है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पटपुर के पुल पे जाके रुकेंगे, वहाँ पे आपको चेक कराता हूँ कितना इसका बिल बना है, क्या कैसा क्या। ठीक है, देख रहे हो ट्रैफिक को, यहाँ पे रुक के बिल दिखाता हूँ ठीक है कि कितनी कॉस्ट आई है। एक नंबर सर्विस की है उन्होंने, एक बार तो आप बाइक देख लो, पहले तो बाइक कुछ चमका दी इन्होंने, देखो पूरी बाइक चमका दी पूरी, और मैं आपको बिल दिखा देता हूँ ठीक है। एंड फर्स्ट तो इंजन ऑयल चेंज किया, जिसमें W50 यानी कि एक आया और फिर आधा दूसरे में से आया, और ये मनाए पूरा 750, 750 रुपये का बिल मना GST वगैरह जोड़ जाड़ के, और सर्विस भी हो गई और 3 या 2 दिन में हमारा नंबर भी आ जाएगा गाड़ी का,
फिर चलते आपको लेके चौक रहता करेंगे हम अपनी बाइक RS 200 के साथ ऑफ रोड। बहुत ज्यादा क्रैप आ जाता है कभी कभी वीडियोज में, बट रिएक्शन बहुत ज्यादा तकड़े आ रहे हैं यहाँ से। लोग ऐसे देख रहे हैं, पहली बार देखा कोई कैमरा लगा रखा। डालू मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में ग्रैप वगैरह आए। इंटरेस्टिंग तो था नहीं, बट जैसा भी था मैंने बना दिया, आपको दिखा दिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया, आपको अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।